लो पोर्टल पट्टी किसे कहते हैं? ट्रैक्टर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे ट्रैक्टर अर्थ ही होता है संभावना, मतलब आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हाँ पहला आता है टॉस सिंग अ कॉइन, ध्यान देना सी ओ कॉइन मतलब होता है पैसा, ठीक है। और टॉस मतलब होता है टॉसिंग करना, मतलब एक कॉइन को टॉस करेंगे। तो मान लीजिए कि हम वन बार टॉस करेंगे, टॉस टॉस एक बार कॉइन की, हम एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे, वन बार टॉस करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। उसी को हम दूसरा बार टॉस करेंगे, क्या बोली? हम आते हो वहाँ बता दीजिए, उसका मेरा मत कर दीजिए। नहीं देखो पहले हम आ रहे हैं, एक बार टॉस करेंगे, दूसरा बार टॉस करेंगे, टू टॉस। तो इसमें जरूरी नहीं है टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें दो बार करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हेड या टेल आएगा, अलग अलग तो जरूर आएगा, बराबर थोड़ी ना है। हाँ ना, आने कभी कभी चेंज तो हो गया करेगा ऑटोमेटिक, कभी टेल आएगा हेड आएगा, जब बराबर तो हेड 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 दोनों बार करेंगे तो अभी भी हेड आ गया, दूसरा भी हेड आ सकता है। हो सकता है कि हेड आएगा तो अगला बार टेल भी आ सकता है, टेल आएगा तो अगला बार हेड भी आ सकता है ना, टेल या टेल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम हेड टेल करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम सबो पार कर देंगे, चलो ठीक। और दूसरा आता है इसमें फ्रेमिंग और डाय, मतलब यानी हम डाय को मतलब बिल्डो गड्डी को हम क्या करेंगे, फेंकेंगे, तो देखते क्या आता है, देखते कि चार सकते, दो आ सकते हैं, एक आ सकते हैं, पांच आ सकते हैं, नंबर होता है, नंबर कितना होता है जी इसमें? सिक्स होता है। तुम जानती है डाय कैसा रहता है? इस प्रकार से रहता है, इसमें नंबर संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहता है। चलो ठीक है, तो इसका आने का चांस, ठीक है, वन बार टॉस करेंगे, वन बार टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे, मतलब फेंकेंगे गड्डी को, थ्रो करेंगे तो, क्या आ सकता है? कुछ भी। वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, कुछ भी आ सकता है। हाँ। इसको डबल बार करेंगे तो, दोबारा बार करेंगे तो भी कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि अब मेरा शुरू बार भी छह आएगा, दूसरा भी छह आएगा, मेरा पहला बार दो आया तो हो सकता है तीसरा बार पांच आएगा। हाँ मतलब डबल करेंगे तो एक बार के वन तो वन आया, दूसरा बार हो सकता है कि थ्री आ सकता है, छक्का आ सकता है, सेवन आ फाइव आ सकता है, तो दूसरा बार करके देखेंगे क्या आता है। इसको क्या करेंगे, इसी से वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब क्या करना है, पहले वन से पूरा है, पूरा इस वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर टू से होगा, फिर थ्री से होगा, तो हम करके बताते हैं, ठीक है। देखो वन वन, ठीक है, वन टू, फिर वन पहले वन से पूरा होगा ना, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव और वन सिक्स, उसके बाद फिर टू वन, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव और टू सिक्स, ठीक है, फिर थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर और थ्री फाइव और थ्री सिक्स, ठीक है, सेवन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, फिर क्या होगा, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, आपको पता नहीं है, फाइव फाइव और फाइव सिक्स, और उसके बाद सिक्स, सिक्स वन, फिर सिक्स टू, सिक्स थ्री, आगे बढ़ो तुम, फोर फोर सिक्स फाइव सिक्स 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 सेवन सिक्स एट सिक्स थ्री, यहाँ तक आएगा। तो टोटल कितने कितना हो गया टोटल, एक दो छह कितना हुआ जी, टोटल कितना हो गया, मतलब कैसे टोटल कितना प्रॉफिट बना आने का, सिक्स पॉइंट सिक्स,
पागल है का रे, अभी एक बच्चे बना तब छत छती में बन गया ली कद बन गया छत्तीस गिनो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ए लड़की गिर गए धूप मान रखो अभी पूछ रहे तो गलत बता दी सत्य बताए समझा रहे तो समझो पहले कितना बार बार जी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 हुआ वो नहीं हुआ तो ये चीज जानो जितना रहेगा नंबर जैसे नंबर क्या छह है तो ये लिखे छह और स्क्वायर कर देंगे छह का स्क्वायर करने कितना जाएगा 36 अधिक पे नंबर अधिक तीन बार टॉस करते तो तीन बार क्यूब होता होता जी चलो ठीक लिखा हुआ है थ्रो आधा कार्ड आप लोग देखते हैं कि खेलियो की दीपावली में चलता है जुआ खेलता है जी कार्ड तो कार्ड के बारे में हम जाने के पहले कार्ड नंबर थ्रो विंग कार्ड अगर हो तुम कार्ड ठीक है तो टोटल कार्ड कितना होता है 52 कितना होता है 52 टोटल कार्ड से था 52 अब इसको हम बताते हैं जो है सर किस क्लास वाला कार्ड है अरे ये कार्ड नहीं देखिए तुम लोग ये कार्ड देखिए है इस टोटल कार्ड कितना होता है 52 हाँ होता है जी अब इसमें कौन कौन सा कार्ड होता है देखोगे एक ब्लैक होता है और दूसरा रेड होता है ब्लैक का रेड होता है ना ब्लैक लाइट इससे और कोई रंग है का इसमें कलर है क्या नहीं इसके बारे में पता रहे देखो सर पता है समझो अब क्या होता है पहला रेड और क्या दूसरा क्या होता है ब्लैक इसमें 26 होता है और ये क्या होता है 26 कोई दिक्कत नहीं था नहीं अब रेड में क्या क्या होता है तो रेड में दो चीज होता है कौन कौन होता है देखो इधर पहला होता है डायमंड ठीक है डायमंड सांद्रो हिंदी में बता रहे हैं इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ईट क्या बोलते हैं ईट इसका चित्र भी बनाइएगा ठीक है ऐसे होता है ठीक है दूसरा होता है हार्ट होता है क्या होता है हार्ट ठीक है इसको बोलते हैं हिंदी में पान क्या बोलते हैं पान पान का देखते सिंबल ऐसे रहता है होता है जी हाँ अब ब्लैक ब्लैक सर हाँ उसमें ब्लैक में तो क्या होता है गुलाम हाँ हुकुम होता है चीटी होता है ठीक है स्पीड स्पीडी अरे डबल डबल ई डी होता है स्पीड हुकुम हुकुम कैसे रहता है ऐसे जा देखा क्लब ठीक है ये क्या होता है चिड़ी ठीक है ये तो दिक्कत अब देखो इसमें से जो डायमंड ये सब जो है ना दिख रहा है तुमको ईट पान हुक्म और हुक्म और हुक्म कैसे कहते हैं हुक्म सर हाँ हुक्म 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 सॉरी हाँ हुक्म है ना हुक्म अभी इन लोग के जो नंबर कितना होता है 13 होता है कितना होता है 13 होता है ये भी 13 होता है ये भी 13 होता है और भी 13 होता है और भी 13 होता है तो 1300 के बावन होता है जी कोई दिक्कत ये था नहीं अब इसमें फिर होता है नंबर ऑफ कार्ड इसको बोलते हैं एन सिंडिकेट के लिए कितना होता है नंबर ऑफ कार्ड 9 होता है कितना होता है 9 और एक तो होता है ओनर्स कार्ड ठीक है ओनर्स कार्ड कितना होता है 4 ठीक है इसमें भी होता है नंबर कार्ड 9 होता है और ओनर्स कार्ड कितना होता है 4 इसमें भी क्या होता है नंबर कार्ड कितना होता है 9 और ओनर्स कार्ड कितना होता है 4 इसमें भी क्या होता है 9 नंबर कार्ड 9 और ओनर्स कार्ड कितना होता है 4 कोई दिक्कत ये था नहीं उतारो उसके बाद आगे बताते हैं सॉरी यहाँ पे हुकुम का स्पेलिंग होता है स्पेंड्स एस पी ए डी ई एस ठीक है इसको फिगर बताते हैं हुकुम का फिगर होता है जिसको बोलते हैं हुकुम का फिगर होता है आपका उल्टा पान देखी है नहीं। नंबर
खाते हैं ना खेलते हैं। ऐसे होता हुकुमत ठीक है आज लड़की लोग आज चिड़ी का तुम लोग चिड़ी तो देखी होगी ऐसे ऐसे और ऐसे होता है ना ये देखो गया अब इसमें हम लिखे थे नंबर कार्ड और फिर ऑनर्स कार्ड ठीक है। तो नंबर कार्ड में कौन कौन सा नंबर होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होगा ठीक है, इससे आगे नहीं होगा। अब इसमें 1 क्यों नहीं लिखे पूछ सकती है, क्योंकि 1 आता नहीं है। नहीं क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं एकागा बोलते हैं एका, इसलिए वो अलग होता है, इसको बोलते हैं एका ठीक है। 1 को क्या बोलते हैं एका, और एका का वैल्यू अलग होता है ठीक है। उसके बाद होता है ओनर्स कार्ड, ओनर्स कार्ड में क्या होता है जिसको बोलते हैं फेस कार्ड, क्या बोलते हैं फेस कार्ड, क्या होता है जेक क्यून किंग और एका ठीक है। सुनाया चलो देखो इसको बोलते हैं जे फोर जेक होता है ठीक है, ज्यादा उल्टा पुल्टा मत बोलो। क्यू फोर क्या होता है क्यून, क्यून तुम लोग जानती होगी आराम से अच्छा से, हम लोग है क्या होता है किंग, किंग ये भी हम ही जानते हैं, ये नहीं जानते हैं। और ये फोर क्या होता है, किंग का स्पेलिंग गलत है, एक का ठीक है। अब देखो इसका कितना होता है नंबर ऑफ संख्या 4, इसका कितना होता है 4 ठीक है। अब एक का कितना होता है 5, एक का भी क्या होता है 4। अब ध्यान दो अब जे के 4 को क्यों हुआ, क्योंकि 4 लेटर है, क्यों के हुआ ठीक है, एक का 4 होगा कि एक होगा, एक हाँ एक 4 एक होगा, एक एक गजब करते आप भी, एक होगा तो एक होगा। अच्छा चलो ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब देखो सर एक का एक कहाँ से लिखे आप, अरे एक 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 होता है, मान लीजिए एक एक है ये हो गए करता है, क्यों चार रहता है, हाँ क्या होता है, इसको तो वही छोड़ दो, इसको भी गोली मारो ठीक है। तुम इसको देखो गोली सबसे पहले बोलेगा फेस कार्ड कितना होता है टोटल 12 तो बोलेगा फेस कार्ड टोटल, बोलेगा फेस कार्ड कितना होता है 12 होता है ठीक है। अब उसके बाद देखो अब ये 4 क्यों हुआ, अरे लड़की 4 क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है रेड, रेड में कितना होता है 4, रेड में क्या होता है 2000 जी, क्या कौन कौन होता है रेड में, रेड में क्वीन ईट और उसी प्रकार से क्यून, क्यून भी एक होगा, इधर भी एक होगा, गेजर हुआ उसी प्रकार से किंग भी इधर भी एक कितना होगा 4 हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमारे पास 3 तो फेस कार्ड है ना, क्यू कैसे क्यू से क्यून, क्यून हो गया, कैसे किंग, किंग जैसे जैक, तो 4 तो जैक होगा, हाँ जी 3 को फेस है लेकिन 3 फेस कार्ड टोटल कितना हो गया 12 अरे एक का होता है ठीक है, एक का भी टोटल 4 होता है लेकिन हर एक होता है जी, एक का एक हुआ ये का हो गया। उसके बाद देखती हाँ उसके बाद देखो ये होता है चिड़ी, क्या होता है चिड़ी, ये होता है पान, पान इसको बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे इसको, उसको बोलेंगे इसको फिर बता दे देखो और इसको पान पान ठीक है। चलो आगे देखो एक और ना बताइए, ईट के बारे में बता दीजिए, किसके बारे में, और ये है ईट देख सकते हैं फॉर्मूला, देखो इसमें लिखा हुआ है फॉर्मूला को दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी को हम इंडिकेट करते हैं पी और इवेंट को बोलते हैं ई, पी फॉर प्रोबेबिलिटी और ई फॉर इवेंट, ई मतलब घटना, ई फॉर क्या होता है घटना, कोई भी घटना घटता है उसको किसे इंडिकेट कर रहे हैं ई से ठीक है, और पी से क्या बोल रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी,
कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला हम किस तरह लिख सकते हैं, PE इक्वल टू लिख सकते हैं ई के अनुकूल परिणाम नामों की संख्या बाय में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या मतलब घटना और पी क्या है प्रोबेबिलिटी एंड प्रैक्टा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो ई के अनु ई मतलब इवेंट घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या प्रयोग के सभी संभव परिणामों का क्षेत्र। पढ़ने गलत कर दी बाय बोलने की लड़की देखो शांत रहो, कहता है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बाय में प्रयोग की गई सभी, ये लिखा हुआ सभी मतलब टोटल, क्या लिखा हुआ है टोटल संभव परिमाण की परमाणुओं की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हम बताए थे एग्जाम्पल में बताए थे कि को डाय है, ठीक है, वो डाय को हम एक बार का किए टॉस किए थ्रो किए, ठीक है, एक बार देख लो इधर से, तो बोलेंगे कि पांच आने की संख्या कितना, पांच आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो बताओ इसको करता होगा इसका आंसर क्या। हम बोले कि हम एक डाय को एक बार थ्रो किए, ठीक है, डाय को एक बार हम एक बार डाय को फेंके, तो बताओ कि पांच आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, समझ में आया कैसे नहीं आया, डाय मतलब क्या, अरे लीडो गाड़ी जानती है ना, अरे हाँ हाँ जाने ना, तो उसको बोलते हैं डाय, का बोलते हैं डाय, तो बताओ कि टोटल संख्या कितना होता है डाय में, छह, जाने की टोटल छह हो गया, तो लिखेंगे टोटल नंबर कितना होगा, टोटल नंबर कितना होगा, छह नंबर कितना होगा, छह हो जाएगा, सिक्स पहले समझ लो उसके बाद, पांच आने का बता रहा है, पांच आने का पूछ रहे जी, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कि मतलब ई का अनुकूल आने का, ई का अनुकूल कितना बोल रहा है पांच, बताओ एक से लेके एक दो तीन चार पांच छह, तो बता दो पांच क्या हुआ है इसमें, एक एक है, तो पांच एक है तो एक बटा सिक्स लिख सकते हैं, तो है कहे कि टोटल पांच एक के हुआ है और टोटल कितना है सिक्स, अरे यहाँ पे दू टोटा था पांच लिखा रहा था, दो पटा का लिखते हैं छह लिखते, लेकिन यहाँ पे हम एक बार टॉस किए इसलिए एक बार लिखेंगे, तो एक बटा करना होगा सिक्स, मेरा कहा एंसर को दिखा उतारा आगे बताते हैं। बुलेट का सिंबल देख लिखेगी बुलेट किसी प्रयोग की सभी शुरुआती संख्या, शुरुआती घटना, शुरुआती घटना की प्रायिकताओं को प्रायिकताओं का योग वन होता है, मतलब कोई भी प्रायिकता का कितना भी नंबर आएगा ना उसको उसको जोड़ेंगे तो वन के बराबर आना चाहिए, यदि वन के बराबर नहीं आ रहा है और उससे अधिक आ रहा है तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, वन के मतलब पीछे आ रहा है या वन के बराबर आ रहा है, क्या का योग योग, ठीक है आगे देखो किसी घटना ई के लिए यह सत्य है, कहता है जब घटना ई वन आएगा तो समझो सत्य आ रही, वन से अधिक बढ़ा जाएगा क्या हुआ असत्य हो जाएगा, ठीक है आगे लिखो। तो लोग तीन से चार कहाँ जाते ट्यूशन पढ़ाने के लिए, सिस्टर की क्लास है ऐसे, तो तुम लोग कितना टाइम में करवाइए ना, ये लोग चला कर रहे हैं हम लोगों का,
हम जाते दो पीछे छुड़वा दिया हम लोग को नहीं रे तुमको नहीं जाना ऐसा कोई बात नहीं ज्यादा ना बोलेगी नंबर निकल का आइए सत्य है कब सत्य होगा ई का वैल्यू देखो अरे पर बार मतलब इसके सुनना रहे बार मतलब क्या होता है इस मतलब बोल रहा है इसका कि नहीं आने का चांस अभी बात लिखा रहेगा या फिर यहाँ पे नोट इस तरह भी लिखा हो सकता है पी नॉट ई यानी पी नॉट ई का वैल्यू और पी बार का वैल्यू क्या होता है नहीं आने का चांस बताओ अरे नहीं आने का चांस रहेगा तो उसको वन में घटा देंगे तब मेरा क्या रिजल्ट आ जाएगा उसी प्रकार से ई का वैल्यू अरे जीरो आ जाएगा तब जो घटना होगा क्या होगा इम्पॉसिबल इवेंट होगा इम्पॉसिबल घटना होगा कैसा घटना होगा इम्पॉसिबल हिंदी में लिखिए अरे ज्यादा दिमाग मत लगा अरे वो अथी नहीं है संभव नहीं है संभव नहीं है आज ई का वैल्यू वन है असत्य आज ई का वैल्यू कितना है वन है तो इसका वैल्यू क्या होगा पॉसिबल इवेंट होगा नहीं है संभव है कोई दिक्कत नहीं अब इसके आगे देखो बेटा नहीं लिखो देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके किसी बीच लाइक करेगा देखो हमेशा प्रोबेबिलिटी अभी आधा घंटा में इवेंट इवेंट फॉर घटना जीरो से लेके एक के बीच लाइक करती है ठीक है जीरो ग्रेटर नॉन इक्वल देन पी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी देखो क्या बोलता है हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू रहेगा वो जीरो के बराबर होगा या जीरो से छोटा होगा ठीक है और वन वन से बड़ा होगा वन से बराबर हो या वन से छोटा होगा यानी जीरो के बराबर हो सकता है या फिर इसे छोटा हो सकता है ठीक है और वन है वन के बराबर हो सकता है या इसे छोटा हो सकता है इससे बड़ा कभी हो नहीं सकता इससे बड़ा इससे छोटा नहीं हो सकता अभी इसके बीच में आएगा तो समझो कि प्रोबेबिलिटी मेरा क्या है सही बना हुआ है अभी नहीं इसके बीच आता है तो क्या वो गलत है तो दिक्कत नहीं तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कम्प्लीट हो चुका है अब एक्सरसाइज में हम चलते हैं ठीक है यदि किसी दिक्कत है तो पूछो हम बताएंगे ठीक है यदि किसी दिक्कत होगा तो बताना यदि हमसे कुछ गलत हो गया होगा या छूट गया होगा तो कॉमेंट करना हम बताएंगे ठीक है देखो एक्सरसाइज 15.1 में दिया हुआ है पहला निम्नलिखित घटनाओं को पूरा कीजिए घटना ई को प्रायिकता प्लस घटना ई से नहीं की प्रायिकता क्या होता है अभी बताए थे कि प्रोबेबिलिटी पी बार है ना बताए थे जी इक्वल टू बताए थे वन माइनस प्रोबेबिलिटी बताए थे अरे बताए थे जी प्लस हो जाएगा तो पी ई हो जाएगा क्या बच गया इधर वन बचा इसलिए पहला में क्या भराएगा वन भराएगा तो का नहीं डायरेक्ट हम बता दिए तुमको कैसे आया इससे कहीं बताया नहीं इसका डायरेक्ट वन भराएगा ठीक है ठीक है दूसरा प्रश्न 215.2 में जाइए छोड़िए इसका एक ही एक्सरसाइज है इसका एक ही एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज में कितना दिया हुआ टोटल कितना दिया जी 25 दिया हुआ 25 दिया हुआ है
तो वन और टू दोनों बना लेना, ठीक है? मतलब वन और टू अपने से कल बना लाना, इसको भरना है, और टू नंबर में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है उसके बारे में अपने से लिखना है, सोचना है, प्रयास करके देखना, कल हम तुमको रूम निकल बताएंगे थ्री से, ठीक है? नहीं नहीं टाइम हो गया, उन लोग भी बच्चे लोग आ चुकी है।